स्पेशल रिपोर्ट का है, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लालू प्रसाद यादव के बेटे और बेटियों की संपत्ति की शुरुआती जब्ती की है इनकम टैक्स विभाग ने। आईटी ने लालू के बच्चों की संपत्ति जब्त की है जिसमें मीसा भारती शामिल है, तेजस्वी और तेज प्रताप भी शामिल हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दरअसल ये कदम उठाया है बेनामी संपत्ति के मामले में। मीसा, तेजस्वी और तेज प्रताप तीनों की ही संपत्ति जब्त की गई है, इनकम टैक्स विभाग ने ये जब्त की है। तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, दोनों ही इस वक्त मंत्री हैं बिहार सरकार में। इधर मीसा यादव, लालू प्रसाद यादव की बेटी, इन तीनों की ही संपत्ति की जब्ती की गई है। बेनामी संपत्ति का मामला जिसमें कई सारे गंभीर आरोप सुशील मोदी ने पहले ही बिहार में लगाए हैं। आतिर खान हमारे साथ फोन लाइन पर इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। आतिर, विस्तार से बताएं, बेनामी संपत्ति के मामले हैं और क्या अभी तक जो समन भेजा गया था उसमें तो मीसा भारती पहुंचती नहीं थी, अगला कदम क्या होगा? जी बिल्कुल, अब क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जो है उसके तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले ही 50 करोड़ रुपए की जो संपत्ति जो जुड़ी हुई थी इन कथित तौर पे जो बेनामी इसे प्राप्त की गई है उसको प्रोविजनल अटैच कर दिया गया और आज नए ऑर्डर इश्यू किए गए हैं जिसमें जितनी भी कथित बेनामी प्रॉपर्टी जो जुड़ी है ईशा के साथ या तेजस्वी तेज के साथ उस सबको अटैच कर दिया गया। अब उनको 90 दिन का समय दिया गया है। 90 दिन का समय है और उसमें ये जानकारी देनी है, सब कुछ आकर बताना है। आईटी विभाग की तरफ से जब्ती लालू प्रसाद यादव के तीनों, मीसा भारती, तेजस्वी और तेज प्रताप की बेनामी संपत्ति का।